क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से और क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधान परिषद और विधानसभा में जाके स्पष्ट वक्तव्य दिए कि बाढ़ से जो भी पीड़ित है, जो भी जिला है, कोई कमी नहीं होगा और सरकार खास के बाढ़ से निकलने के लिए जो मुक्तिया नाव की व्यवस्था है NDRF SDRF के द्वारा सारा जगह लोग निकाल लिए गए हैं और जहाँ जहाँ अधिकता पानी का हुआ है वहाँ लोगों के लिए राहत शिविर या सामुदायिक किचन सारा जगह व्यवस्था है हर जिला में। पहले से तैयारी क्यों नहीं थी तरफ लोग? पहले से बाढ़ आती है, हर साल नेपाल पानी, पहले से तैयारी थी, इसीलिए बाढ़ पहुँचा उससे पहले लोग पहुँच गए, चाहे NDRF की टीम हो, SDRF की टीम हो। कोई ऐसा घटना बता दीजिए बिहार में जहाँ बाढ़ आने के उपरांत शीघ्र ही जहाँ NDRF हो, SDRF की टीम नहीं पहुंची, एक भी जगह बता दीजिए। बोल रहे हैं कि तैयारी आप लोगों की थी, जल संसाधन विभाग के मंत्री का कहना है कि 10 इंजीनियर चीफ इंजीनियर वहाँ से गायब थे अपने ड्यूटी से। कहाँ से? अपने ड्यूटी से, बाढ़ राहत ड्यूटी से 10 चीफ। वो जानकारी हमको नहीं है, आप आपदा संबंधी जो है कि हर साल नेपाल पानी छोड़ती है, हर साल आप लोग तैयारी करते हैं, 300 करोड़ रुपये के पैसे होते हैं, लेकिन तैयारी क्यों नहीं थी सर? पूरे तैयारी जून महीना में भी बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारी सरकार कर ली थी। बाढ़ क्यों आया? नेपाल में पानी आ गया था इसलिए बाढ़ आ गया। ये पहला बार ऐसा हुआ है, पिछले साल भी 17 में जो बाढ़ आई थी ऐसा बाढ़ नहीं था, लेकिन अचानक जो आई तो उसमें तो बाढ़ नेपाल में पानी हुआ, नेपाल सीमावर्ती इलाका में। बिहार सरकार 100 में 100 पास है और खास के जो भी बाढ़ पीड़ित है उसको सुरक्षा देने में, बाढ़ पीड़ित को चाहे भोजन हो जो भी राहत देने में पूरे तरह से पास है। विपक्ष जो है वो कह रहा है कि चूहा खाने को लोग मजबूर हैं, पीने का। अरे चूहा तो अब मिलता नहीं, अब जो कहता होगा विपक्ष का नेता वो चूहा देखा है या चूहा खाते होंगे, चूहा पढ़ाते होंगे। अंतिम सवाल मंत्री जी, आज अरे मदन मोहन झा जी चूहा देखे हैं? चूहा मंत्री जी वो जाके कहीं चिड़ियाखाना में देखे होंगे, वो देखे भी नहीं होंगे। अब मोहन झा ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का जायजा लिया और ये बात कही है कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सदन में नीतीश कुमार ने जो बातें कही वो सुविधाएं वहां पर नहीं मिल रही हैं, बेसिक सुविधाएं। सुविधा की बात चूहा की बात अलग कर रहे हैं अब। सुविधा देखिए विपक्ष का जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूर्ण तरह से चौकस है और राहत शिविर से लेके सामुदायिक किचन हर जगह उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ ऐसे पानी भी घट रहा है, धीरे धीरे लोग अपने अपने घर वापस। मंत्री जी एक सवाल है कि चूहा तो बाद की बात थी, अब जो बिहार सरकार की तरफ से जो आपदा विभाग की तरफ से जो खाना पहुँचाया जा रहा है, मुजफ्फरपुर में जो चावल पहुँचाया गया उसमें भी कीड़े मिल रहे हैं, ऐसा हमको नहीं जानकारी है। आप लोग का कोई जानकारी है? देने की मांग की है बिहार पीड़ित को, बाढ़ पीड़ित को क्या राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, ये उन्होंने मांग की। अरे पहले जाके बाढ़ पीड़ित को जाके हम दर्द बतावे तबे ना कोई चीज़ मांग करें।